नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। सोमदेव देवबर्मन भारत के पूर्व टेनिस प्लेयर, उन्होंने पुलिस यातनाओं और नस्ल भेद पर खुलकर अपनी बात की है। 35 साल के देवबर्मन ने देश में हिंसा और पुलिसिया बर्बरता की घटनाओं को चिंताजनक बताया। उन्होंने अपने साथ भेदभाव की घटनाओं को भी याद किया। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से देवबर्मन ने कहा कि भारत में पुलिस की क्रूरता बढ़ती जा रही है, यह भयानक है, साथ ही ताकत का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने गांव जलाए, लोगों को मारा, लोगों को हिरासत में लिया और कैसे कुछ लोग पुलिस थानों में मारे गए। हाल ही में तमिलनाडु के तूतीकोरन का एक मामला था, दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ। इस बारे में मैंने ट्वीट भी किया था। सोमदेव देवबर्मन ने 24 जून को एक ट्वीट किया था, यह दिल्ली दंगों के दौरान सामने आई एक वीडियो पर था। वीडियो पुलिस कर्मियों के कुछ लोगों को पीटने और उनसे राष्ट्रगान गवाने के बारे में था। इसके अलावा देवबर्मन ने तमिलनाडु पुलिस के टॉर्चर पर 26 और 28 जून को ट्वीट किया था। देवबर्मन का कहना है कि गनीमत है कि भारत में आम तौर पर पुलिस के पास बंदूक नहीं होती, उनके पास डंडे ही होते हैं, इसी से वे अपनी मनमर्जी चलाते हैं। अपने साथ हुए वाक्य को याद करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार वो अपने दोस्त के साथ एक कंसर्ट में गए थे, वहां काफी भीड़ थी, पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया तो वो लोगों को पीटने लगी। नस्ल भेद पर देवबर्मन ने कहा कि उनके साथ इस तरह का भेदभाव हुआ, वे त्रिपुरा के रहने वाले हैं और उन्होंने अपना करियर तमिलनाडु में रहकर बनाया। एक घटना के बारे में देवबर्मन ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, शुरू में मुझे वॉचमैन कहा जाता था, मुझे लोग बहादुर कहकर बुलाते थे। दिसंबर 2019 में मैं कोलकाता में था, वहां एक प्रदर्शनी मैच के बाद मैं कोर्ट पर ऐसे ही दौड़ पड़ा, तभी 5-6 बच्चे आए और उन्होंने मुझे चाइनीज कहा। मुझे नहीं लगा कि वे नस्ल भेदी थे, लेकिन मेरी पत्नी मेरे साथ थी, वह मुझसे नाराज हो गई। वह उन बच्चों को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन मैं उन बच्चों के साथ खेलने लगा, वे भी मेरे साथ खेलने लगे। उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने जो कहा है वह नस्लभेदी था, उन्हें यह मजाक लगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें शिक्षित और संवेदनशील होना चाहिए। देवबर्मन का कहना है कि भारत के लोगों को अपने अंदर झांकना चाहिए, उन्हें खुद को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा, मैं अपने जिन दोस्तों के साथ खेला कूदा बड़ा हुआ, उनके साथ एक टेबल पर खाना नहीं खा सकता था, क्योंकि वो एक ब्राह्मण थे। सोमदेव देवबर्मन ने भारत के लिए 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। 2010 एशिया गेम्स में उन्होंने सिंगल और डबल्स दोनों में गोल्ड हासिल किया था। साल 2011 में उन्हें अर्जुन अवार्ड और 2018 में पद्मश्री से नवाजा गया। ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।